पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कहा देख रही है, इतनी महंगी मिठाई फेंक जाती, जमीन साफ भी तो थी। लिखा धन्यवाद कान्हा जी, चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव का अपहरण करने का हमें संकेत मिल गया। हाथी घोड़ा पाल की जय करे हलाल की। बैठो दिखाओ। इतना भी क्या गुस्सा, खुद को ही चोट लगा ली। रुको दिखाओ, एक सेकेंड बस हो गया। ये देखो, अपनी फेवरेट शर्ट पे भी दाग लगा लिया है। वैसे पापा ने जो प्रपोजल दिया है वो अच्छा तो है। नहीं, आई मीन एक बार सोच के एक एक तुम ही हो जिसने जिंदगी में ध्रुव को नहीं मुझे चुना है। ये एक ही खुशी है मेरी जिंदगी में, इसलिए दिल से जो तुम कहती हो मैं हर चीज मानता हूँ। जैसा तुम करने को करती हो मैं वैसे ही करता हूँ। तुम इंस्पायर करती हो मुझे आगे बढ़ने के लिए, और अब तुम ही मुझे पीछे हटने को कह रही हो। सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। आयशा, मैं ध्रुव का असिस्टेंट बनके कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात फाइनल है। अगर ध्रुव इस घर में नहीं रहेगा तो मैं यहां रहकर क्या करूंगी? ध्रुव तो कनाडा जाएगा, पर अकेले नहीं। उसके साथ जाऊंगी मैं। भाई रुक, और भाई रुक। हमें आपका शुभ संकेत मिल गया कान्हा जी। हम जानते हैं आप हमारे साथ। भाई जी, हमारे चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को अपने साथ आपके उपचार के लिए हमारी सदी हमारे युग लेकर आ रहे हैं। हम
टाइम पर वीजा सेंटर जरूर चले जाना, ये मौका बार बार नहीं आता बेटा। हम उनका कार्य संपन्न होने के बाद आज रात्रि उनका अपहरण कर अपने साथ ले जाएंगे, यही उचित रहेगा। उनके अपहरण करने के लिए प्रयोग में आने वाली अनिवार्य औषधि की सामग्री जमा कर लेते हैं और शीघ्र ही औषधि बना लेते हैं। लौंग, तेजपान, श्वेत तिल, तारा, जी विद्या देवी जी, क्या कर रही हो? कुछ बना रही थी? वाह तारा, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। इतिहास का तुम्हारा ज्ञान और नाश्ते की प्रस्तुतिकरण अद्भुत। आज तुमने अपनी तीव्र बुद्धि और सुंदर मन का परिचय दिया है। बोलो क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे। हाँ बोलो बोलो, क्या चाहिए? श्वेत तिल। हाँ, हमें श्वेत तिल चाहिए, यहाँ घर में होंगे ना? श्वेत तिल मांगा भी तो क्या, बस श्वेत तिल है। ध्रुव के कक्ष में रखे हैं, सुशीला उसे रोज खाने के लिए कहती है, मस्तिष्क के लिए बहुत लाभदायक होता है ना? अवश्य। अब तुम स्वयं ले लोगी या हम लेकर आए? नहीं नहीं, हम स्वयं ले लेंगे। श्वेत मांगा भी तो क्या, अर्थात हमें पुनः चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव के कक्ष में जाना होगा, 3 फुट की दूरी रखते हुए। कितना शोर मचा रहे हैं, नॉइस कट करने के लिए हेडफोन्स लगा लेता हूँ और आज गाने सुनते सुनते पढ़ाई करता हूँ। ऐसे अध्ययन कर रहे हैं जैसे मानो कोई योगी तपस्या कर रहे हो।
हमें हमें क्षमा कीजिए, हम नहीं जानते कि कितनी ध्यानचित है ये। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।